आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोर्ट का डिसीजन क्या आने वाला है एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेके, क्या 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। इसी को लेकर के मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आज। दोस्तों, जब भी किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन फाइल होती है, तो सुप्रीम कोर्ट को 7 डेज के अंदर, 1 वीक के अंदर उसकी सुनवाई करनी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में कोर्ट इस मैटर की सुनवाई करेगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे कि फैसला क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, टीचर्स का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, स्कूल्स का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और पूरी कम्युनिटी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इससे, तो फैसला आपके फेवर में आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि CBSE के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर्स पर भेजकर उनकी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात जानता है कि सबसे ज़्यादा बढ़कर बच्चों की हेल्थ है, ना कि एग्ज़ाम्स। अब आप क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए या कैंसिल होने चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लेटेस्ट इस डिसीजन को लेकर के, सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।